रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,459 मरीज बढ़े, कुल कोरोना केस 5,48,318। बीते 24 घंटे में कोरोना से 380 लोगों की गई जान, अब तक कोरोना से कुल 16,475 लोगों की मौत। देश में 3,21,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए, एक्टिव केसेस की तादाद अब 2,10,000। देश में टेस्ट की तादाद में भी इजाफा, एक दिन में 1,70,000 टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,493 नए मामले सामने आए, कुल आंकड़ा 1,64,000 के पार, अब तक 7,429 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना का आंकड़ा 75,500 के पार, अब तक 4,371 मरीजों ने तोड़ा दम। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 327 नए मामले बढ़े, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार पहुंचा। राजस्थान में 1 जुलाई से ग्रामीण इलाकों में खुल जाएंगे धार्मिक स्थल, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। पीएम मोदी ने लोगों को दी ज्यादा सावधान रहने की नसीहत, कहा फेस कवर और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। उड़ीसा में आइसोलेशन की मियाद पूरी करने पर जोर, ऐसा करने वालों को सरकार दे रही है 2,000 रुपए। दिल्ली में फुल रफ्तार में कोरोना, 24 घंटे में 2,889 नए मामले, 65 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 83,000 के पार पहुंचा, अब तक 2,623 मरीजों की मौत। अमित शाह ने दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को किया खारिज, लोगों में डर के लिए मनीष सिसोदिया के बयान को बताया जिम्मेदार। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है भारत का प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री बोले हमारी जिंदगी के साथ ही चलेगा कोरोना। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग, डीजल के दाम में फिर प्रति लीटर 13 पैसे की बढ़ोतरी, दिल्ली में डीजल अब 80 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 5 पैसे की बढ़ोतरी, दिल्ली में अब पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर। पिछले 23 दिन में डीजल की कीमत में प्रति लीटर 11 रुपए 23 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 17 पैसे का इजाफा। पेट्रोल डीजल महंगा करने पर भड़की कांग्रेस, राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट कर कहा लोग विरोध करें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को आज फिर मिली तीर की आवाज। जम्मू कश्मीर में आज फिर सेना को मिली बड़ी कामयाबी, अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादी ढेर। खुलचौर इलाके में खुफिया सूचना के बाद एनकाउंटर, सुरक्षा बल की घेराबंदी पर आतंकवादियों ने शुरू की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बल ने मारे गए आतंकियों से एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद किए, सेना और पुलिस ने की साझा कार्रवाई। मारे गए आतंकवादियों में से एक मसूद हिजबुल का कमांडर, मसूद के मारे जाने के बाद डोडा आतंकवादियों से मुक्त। कश्मीर IG का दावा, इसी महीने अब तक 46 आतंकी ढेर, इस साल मारे गए कुल 116 आतंकवादी। सलेम में पूर्व सांसद अर्जुनन ने पुलिस से की बदसलूकी, बिना ई पास के जाते हुए रोकने पर भड़के पूर्व सांसद। तेलंगाना के खम्बम में गांव वालों की हैवानियत, बंदर को पेड़ से लटकाकर मारा। विशाखापट्टनम में संदिग्ध हवाला ऑपरेटर गिरफ्तार, 50 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। मैनपुरी में प्रेमी ने प्रेमिका के पिता की सुपारी देकर कराई हत्या, प्रेमी और शूटर दोनों गिरफ्तार। जोधपुर में हादसे में घायल 2 लोगों की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने की मदद, एस्कॉर्ट की गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। असम में बाढ़ का कहर जारी, 23 जिलों के करीब 9.25 लाख लोगों पर पड़ा असर, अब तक 20 लोगों की मौत। मधुबनी में लगातार बढ़ रही है कोसी नदी का जलस्तर, नदी की तेज धारा में बहा पुल, कई गांव में यातायात बाधित। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश, कई कॉलोनीज में घुसा पानी, तालाब बन गई सड़कें।
बिहार के बख्तियारपुर मुकामा हाईवे की हालत बड़ी जानलेवा। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान रोपनी करके सरकार को दिखाया आईना। हिमाचल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही, दो मजदूरों की मौत, तीन की बची जान, करीब चार घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। भोपाल से सांसद और बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे। राजस्थान में एक बार फिर महाराणा प्रताप पर सियासत, बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी का आरोप, कांग्रेस ने इतिहास को किया कलंकित। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का भी वार, सरकार ने तथ्य तोड़े मरोड़े, माफी की मांग की। पटना में जनसंवाद रैली में बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव का दावा, नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को कोई नहीं हरा सकता। आरा में शहीद चंदन कुमार के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव, परिजनों को सौंपा 2 लाख रुपए का चेक। अमित शाह के चीन विवाद पर संसद में दो दो हाथ के प्रस्ताव पर कांग्रेस का पलटवार, कहा चीन और महामारी से लड़ने की बजाय विपक्ष से लड़ाई में बिजी है सरकार। चीन से चंदे के आरोप को लेकर कांग्रेस का पलटवार, अभिषेक मनु सिंघवी बोले पीएम केयर फंड में चीनी कंपनीज ने करोड़ों रुपए का दिया दान। पटना में कैंसिल हुआ गांधी सेतु नंबर 2 का ठेका, चीन की कंपनी के पार्टनर होने की वजह से सरकार ने लिया फैसला। अयोध्या में सावन महीने में हो सकता है राम मंदिर का भूमि पूजन, ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा न्योता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अयोध्या का दौरा, राम मंदिर निर्माण के काम का लिया जायजा। मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।